आप अमूर ख़ारजा के हवाले से यहाँ पे नुमाइंदे के तौर पर काम कर रहे हैं और मकामी कम्युनिटी के साथ आपका गहरा तल्लुक रहा है, तो हम देख रहे हैं कि जलसे में डच मेहमान भी शामिल हैं, तो आप इस्लाम की तालीम के हवाले से उनको क्या रहनुमाई देते हैं कि इस्लाम की हकीकी तालीम उन तक पहुँच सके? जज़ाकअल्लाह, बहुत इंपॉर्टेंट आपने सवाल किया है। असल में बात यह है कि इस्लाम की हवाले से यूरोप के अंदर एक ख़ास हवा फैली हुई है इस्लामोफोबिया के नाम से, आपको इस चीज़ का इलम है। अब इस वक्त पूरे आलम इस्लाम में जमात अहमदिया ये एक वाहिद ऐसी जमात है जो इसका सही जवाब दे सकती है, और हम अल्लाह के फजल से बहुत सारे जो दोस्त हैं जो गैर जमात हैं और नॉन मुस्लिम हैं, जब उनसे बात होती है तो उनको जब हम इस्लाम की हकीकी तालीम पेश करते हैं जो बानी इस्लाम ने पेश की, बानी जमात ने पेश की है, और वो वही है जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम हमें दी है, तो वो हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि इतनी खूबसूरत तालीम, तो फिर वो कहते हैं कि हम ये हमारी ये ख्वाहिश है कि ये जमात का पैगाम जो है जो असल में इस्लाम की असली तलीम को पेश आगे भेज रहे हैं, ये बहुत तेज़ी से इन मुल्कों में फैले, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत है, क्योंकि इस पैगाम के अंदर ही असल में अमन है। तो अल्लाह के फजल से ये सारे पैगाम और इसी तरह जो इस जलसे में भी लोग शामिल हुए हैं वो यही मैसेज दे के गए हैं।